हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ व्रत में बनने वाले सूखे आलू की सब्जी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। आइए रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच देसी घी। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 बड़ी चम्मच मूंगफली। मूंगफली को चलाते हुए अच्छे से भूनना है, जब तक मूंगफली अच्छे से रोस्ट ना हो जाए और इनका कलर चेंज ना हो जाए। मूंगफली को हमें चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है। देखिए मूंगफली का कलर चेंज हो गया है, मतलब मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम सेम कढ़ाई लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच देसी घी। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरे को कुछ सेकंड के लिए सोते कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच अदरक जिसको बारीक कट किया है, 2 हरी मिर्च जिनको बारीक कट किया है। इन्हें अच्छे से भून लेंगे। अगर आप व्रत में अदरक नहीं खाते हो तो अदरक को स्किप भी कर सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 उबले हुए आलू जिनको क्यूब्स में कट किया है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, व्रत वाला नमक स्वाद अनुसार जिसे हम सेंधा नमक भी बोलते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चलाते हुए भून लेंगे हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मूंगफली, 2 बड़े चम्मच हरा धनिया जिसको बारीक कट किया है। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चलाते हुए पका लेंगे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। खटास के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। व्रत वाली आलू की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।